ये चावल लगाई जिनमें, ये देखिए चावल की खेती है, ये खेतों की जिंदगी। ये देखिए पानी कितना मस्त है यहाँ पे गाइस, इस तरीके से होता है। ये देखिए किसान ने कैसे अपनी ऐसे घर बना रखा है, इसके नीचे आराम कर सकता है रात को, जब यहाँ मेरे देश की धरती सोना उगले। क्योंकि जब फसल पक जाती है ना, गेहूं की हो या चावल की हो, तो देखिए सुनहरी हो जाती है। ये उस साइड में नडेल का रास्ता है, ये दिखाना चाहूंगा। ये देखिए कि जो इस नदी में एक साल पहले बाढ़ आई थी वो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग गाइज। तो स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग के अंदर। तो इस समय मैं जा रहा हूँ उस रोड पर जो कि एक साइड से जाता है टोहाना की तरफ, और पीछे की साइड में जिस साइड बाइक गई है ये देखिए वो जा रहा है जाखल की तरफ में। और ये गग्गर नदी वाला रोड है जहाँ पे एक गग्गर नदी वाला पुल भी है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि पीछे की साइड में यानी कि रोड बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। और गाइज़ आपको बता दूँ कि ये सारा जो एरिया ये खेतों से घिरा हुआ एरिया है, बहुत ही मस्त लगता है यहाँ पे शाम के टाइम जब छुट्टी वगैरह होती है यहाँ पे घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड खेत ही खेत होते हैं। ठीक है, ये देखिए एक गग्गर नदी वाला पुल आ गया, ये मेरे पीछे से जो रास्ता ये टोहाना के लिए, और ये वाला पीछे जाखल की तरफ जा रहा है। ठीक है, पानी का स्तर आपने देख ही लिया कि काफ़ी कम चल रहा है पानी का स्तर इस समय, कुछ खासा पानी वानी नहीं है। गाइज आपको इस साइड दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कि जो इस नदी में एक साल पहले बाढ़ आई थी वो कितना ज़्यादा कम हो गया है यहाँ पे पानी का जल स्तर। और अभी आपको यहाँ पे खेतों के नज़ारे वगैरह भी दिखाऊंगा कि खेत वगैरह किस चीज़ के हैं। गाइज वैसे तो यहाँ पे सब्जी वगैरह भी उगाई जाती हैं, पर ज़्यादातर यहाँ पर सीज़न जो होता है वो होता है गेहूँ का और चावलों का। इस समय चावलों का सीज़न चला हुआ है हर जगह, यानी कि चावल ही चावल उगा रखे हैं, यानी कि झिरी उगा रखी है। वो आपको दिखाता हूँ कि ये उस साइड में नडेल का रास्ता है, ये बोर्ड शाइन बोर्ड आपको शो कर रहा है जहाँ से वो बाइक आ रही है, वो नडेल साइड का रास्ता है, ये सीधा जाखल की तरफ जा रहा है। और ये देखिए चावल की खेती हो रही है यहाँ पे, चावल ऐसे उगाए जाते हैं। अगर शहरों में लोगों को नहीं पता भी चावल वगैरह कैसे उगाए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि चावल के इस प्रकार के पौधे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखो इस साइड भी खेत है और इस साइड भी, आपको दूसरी साइड में दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए नडेल साइड में चलकर दिखाता हूँ आपको, उस साइड भी देखो चावलों के खेत हैं, और ये देखो दूर दूर तक खेत ही खेत है। गाइस सुनहरा लग रहा है आगे की तरफ, आप ग्रीनरी के बाद आप देख रहे हो, देखो सुनहरा, इसे को कहते हैं कि खेत जो है वो सोना उगले। गाना सुना होगा आपने, मेरे देश की धरती सोना उगले। क्योंकि जब फसल पक जाती है ना, गेहूं की हो या चावल की हो, तो देखो सुनहरी हो जाती है। इसी प्रकार सरसों भी ऐसे सुनहरी पीली टाइप की हो जाती है, इसलिए ये गाना इसी को देख के ये गाना गाइस बनाया गया था। फसलों का बहुत ही अच्छा सीज़न है, इस बार फसल अच्छी हुई है जीरी की, चावल आने शुरू हो गए हमारी साइड में तो मंडी में। ये देखिए सुनहरा रंग काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइज़ उस साइड। देखिए गाइज इस साइड से किसानों ने अपने यानी कि जो चावल थे वो निकाल लिए, उसके बाद ऐसे फूसा बसता है, ये खेत खाली हो गया। अब ये अगले सीज़न के लिए तैयार हो जाएगा, या तो सब्ज़ी वगैरह उगाई जाएगी या कुछ और भी उगा सकते हैं। इस तरीके से यानी कि ये भूसा बच जाता है निकालने के बाद, तो इस साइड इन्होंने पहले उगाया होगा, इसलिए इनका देखिए एक यहाँ से खेत से उठा लिया गया है जो भी सामान था, जो भी फसल थी, उस साइड फसल अभी खड़ी है। और हम ये देखिए पानी का स्तर बहुत ज़्यादा कम हो गया, ये नदी देखिए अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि इसी में एक साल पहले बाढ़ आई थी, और जितने भी मैंने एरिया आपको दिखाया फसल वगैरह का वो सब पानी में डूबा हुआ था। अब तो बिल्कुल ही कम लग रहा है, बहुत ही कम हो गया पानी का स्तर, बढ़ता घटता रहता है ये देखिए। तो चलिए उस साइड आप देख सकते हैं, उस साइड भी देखिए हरी सुनहरी फसल आपको दिखाई दे रही है हम जिस रास्ते से जा रहे हैं। और ये देखिए गाइस किसान ने यहाँ पे यानी कि देखो क्या एक घर टाइप का बना रखा है, छोटा सा खाट है यहाँ पे उनकी। और यहाँ पे देखिए पानी चल रहा है, ट्यूबवेल का पानी, ठंडा ठंडा पानी खेतों में पानी लगाया जा रहा है गाइस। देखिए यहाँ से ऐसे गांव में खेती वगैरह की जाती है, पानी लगाया जाता है। और यहाँ पे यानी कि किसानों ने अपने लिए बना रखा है, जब भी ये रात वगैरह को आते होंगे तो इसमें रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं। ये देखिए फसल यहाँ पे किसानों की, उस साइड सूर्य इस समय अस्त हो रहा है, वो रेडिश आपको दिखाई दे रहा होगा, रेडिश रेडिश। तो गाइस इस तरीके से होता है, ये देखिए किसान ने कैसे अपनी ऐसे घर बना रखा है, इसके नीचे आराम कर सकता है रात को जब यहाँ आएगा, यानी कि अपनी खेतों की रखवाली करने के लिए जानवरों से या और किसी चीज़ से, तो खाद डालेगा, लाइट लगा रखी है यहाँ पे,
ठीक है, और आराम से यानी कि अपना बैठ सकता है यहाँ पे। और ये देखिए पानी गाइज, यहाँ पे पानी देखिए कितना मस्त ठंडा ठंडा पानी लगाया जा रहा है यहाँ पे। तो गाइज ये होती है खेतों की ज़िंदगी, ये देखिए पानी कितना मस्त है यहाँ पे, ये देखिए पानी कितने मस्त तरीके से बह रहा है गाइज यहाँ पे। ये होती है गाइज खेतों की ज़िंदगी घरों में, ये होती है खेतों की ज़िंदगी गांव में, ऐसे रहा जाता है। पर हमारा पूरी तरीके से गांव नहीं है। और आपको देखो चावल दिखाते हैं, ये देखिए ये चावल हैं, आपको ये दिखाते हैं, ये देखिए ये चावल है गाइज इनमें, ये देखिए चावल की खेती है, ठीक है। अलग अलग किस्में होती हैं चावल की, तो ये भी यानी कि चावल की वो हैं, इनको तोड़ के दिखाते हैं आपको एक। तो इसके अंदर से यानी कि इसको अगर रगड़ेंगे तो चावल वगैरह निकलेंगे, अभी ये पूरी तरीके से पके नहीं है, आप देख सकते हैं ये इस तरीके से। आपने ऐसी चीज़ तो देखी होगी वैसे, इनको जब अच्छे से रगड़ा जाएगा ना तो इसके अंदर से सफ़ेद सफ़ेद चावल निकलेंगे गाइस। तो ये देखिए कितने सारे चावल लगे हुए हैं यहाँ पे, ये होते हैं गाइस चावल के पौधे, खेती ऐसे की जाती है। तो गांव में रहने का बहुत सारा फ़ायदा भी होता है, और यहाँ पे किसानों को डरना लगे से देखिए बजरंग बली जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित है, मंदिर होता है लगभग हर जगह पे इस तरीके का। यहाँ पे चावलों के अलावा भी किसानों ने कोई फल सब्ज़ी वगैरह भी उगा रखी है, छोटी छोटी उगाते रहते हैं। और उससे पहले देखिए यहाँ पे एक और घर बना रखा है, यहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी हुई है, क्योंकि अंधेरे का टाइम जब होता है ना गाइस तो डर सबको लगता है, तो इसलिए यानी कि कोई इस तरीके का कोई भूत प्रेत या कोई ऐसा चक्कर ना हो, डरना लगे, इसलिए बजरंग बली जी की मूर्ति भी थी, मंदिर भी बना हुआ है। खेत देखिए गाइस, ये होता है असली नज़ारा खेतों का, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है खेत ही खेत नज़र आ रहे होंगे आपको, ये है असली खेत। ये यहाँ पे बंद पड़ा है शायद, ये देखिए यहाँ पर भी हो सकता कोई रहता होगा, दरवाज़ा देख रहे हैं आप, ठीक है। ये वाला तो टूट चुका है शायद बाढ़ में, इसकी हालत देखिए ऐसी हो गई है, पर ये देख सकते हैं आप लोग, इस गेट लगाया, गेट खोल के अंदर की तरफ जाया जा सकता है। वैसे आपको दिखा देते हैं, ये देखिए गाइस ये गेट है, ओम छपा हुआ है इसके ऊपर, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, चलो अपने को तो क्या करना है। और ये टूट चुका है बाढ़ के अंदर, देख सकते हैं इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, जहरीले सांप वगैरह कुछ भी। तो चलते हैं क्योंकि शाम का टाइम भी हो रहा है, तो हमें घर निकलना है, चलते हैं गाइस धीरे धीरे, और कुछ नज़र आता है तो आपको दिखाते हैं। ये वो चावल हैं जो हमने वहाँ से तोड़े थे, मैं इनको एक एक करके खा रहा हूँ। नज़ारा देखिएगा इस पीछे की तरफ, हरियाली और खेतों का नज़ारा, और चलने में यानी कि शाम में ठंडी ठंडी हवा, शुद्ध हवा, कोई यहाँ पे इस तरह की यानी पोल्यूशन वाली फैक्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ आसपास। खेतों में खड़े हैं आराम से शाम के टाइम घूमने का, सुबह सुबह अगर आपको कभी नज़ारा दिखाने का मौका मिला सुबह सुबह आपका, सुबह सुबह तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ये चावल खा के देखते हैं एक बार, ये चावल के ऊपर छिलका चढ़ा हुआ है ब्राउन से रंग का, तब ये अच्छे से पके नहीं है, पक जाते तो और भी अच्छा लगता। पर आकर दिखाने के लिए ना, ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद सा अगर आप देख पा रहे हो, अब ये धीरे धीरे सफ़ेद हो गया है, इसको खाया जा सकता है, पर ये कच्चे हैं अभी भी। दोस्तों यहाँ खेतों के बीच मेरे को एक नई चीज़ देखने को मिली, मैंने यानी कि पहले देखी है पर दूर से ही देखी है इन चीज़ों के बारे में, तो आपने देखी हो तो मेरे को बताना कि ये पहले यहाँ पे इस तरीके की ऐसी खेती नहीं होती थी, पर ये देखिए अब किस प्रकार से खेती की गई है। पन्नी के अंदर कोई पौधे लगाए गए हैं, इतने से खेत में पन्नी के में लगाए गए हैं गाइज, ये पता नहीं किस चीज़ के पौधे हैं, आप देख सकते हैं जैसे छेद छोड़े हुए हैं जहाँ से यानी कि इनका बाहर निकल रहा है। और ये देखिए धीरे धीरे इस प्रकार की खेती, आपको पता हो क्या कहते हैं इस खेती को, तो ज़रूर बताइएगा मेरे को। और गाइज़ ये है जाखल का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो गाइज़ यहाँ पे जो भी हमारा सीवर का कचरा वगैरह होता है वो यहाँ पे आता है, ट्रीट करते हैं उसको, सफाई की जाती है जितनी हो सकती है केमिकल वगैरह से, गाइड ही आ रही है तेज एक बार। तो गाइज़ यहाँ पे उसको ट्रीट किया जाता है ट्रीटमेंट प्लांट में, और उस गग्गर नदी में डाल दिया जाता है जैसे कि हर जगह होता है। ये पौधे पता नहीं किस प्रकार से लगाए गए हैं गाइज़, ये मैंने यहाँ पर पहली बार देखा है, मेरे को इस टाइप की खेती का कोई अनुभव या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखते हैं क्योंकि इस साइड देखिए, इस साइड तो वही हरे वाले खेत हैं, सुनहरी फसलें लहरा रही हैं,
और इस साइड की अगर आप देखते हैं तो खेती देखिए किस प्रकार से की गई है। ये देखिएगा इस किस प्रकार से, यानी कि पौधे इसके अंदर लगाए गए हैं। देखो ऐसे ऐसे करके काफ़ी दूर तक इसको फैलाया गया है। ये पन्नी है और कुछ नहीं है, तो नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि हमें इनका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। आपको पता हो तो गाइस ज़रूर बताइएगा किस प्रकार की खेती है ये। अभी हम घर की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपको एक और बात बताना तो भूल ही गया, तो हरियाणा में आज के दिन यानी 5 अक्टूबर 2024 को वोटिंग थी, CM पद के लिए जो वोटिंग वगैरह होती है, तो वो चुनाव थे। तो हम लोगों ने वोट डाल दिया था सुबह ही। अगर आपके एरिया में वोटिंग वगैरह होती है तो गाइज़ वोट ज़रूर करना चाहिए हमें सरकार से, यानी कि तभी हम कोई सवाल पूछ सकते हैं जब हम वोट करते हैं उन्हें चुनते हैं। तो हमें वोटिंग के दिन को छुट्टी का दिन नहीं समझ के काम करना चाहिए, तो वोटिंग डे को भी हमें यानी कि अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए, वोट डालनी चाहिए। मैं अपना वोट डाल चुका हूँ, सब लोगों ने हमने वोट डाल दिया था। किसी भी पार्टी को दो या किसी कैंडिडेट को दो, जिससे भी आपका यानी कि सही लगता आपको कैंडिडेट, उसको वोट दो। और पैसों के लालच में या शराब के लालच में वोट बिल्कुल ना दें, क्योंकि जब भी आप पैसे लेंगे या उनसे शराब लेके वोट डाल लेंगे तो आपका भी उनसे अपना काम नहीं कह सकते, वो गिनवा देंगे कि हमने आपको पैसे दिए थे या शराब दी थी। तो इस तरीके से यानी कि ना करें गाइस। तो आप देख सकते हैं गाइस, मेरे को तो ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे की तरफ देखिए क्या खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मस्त नज़ारा है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के अंदर अगली बार। बाय बाय।